मैंने बोला ऑडियंस है, ऑडियंस हर वक्त बोलती है कि उस बंदे का वीडियो शायद आज वायरल हुआ। वक्त बुरा सबका आता है। आजकल ना बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। आई एम मिसिंग माय बाइक सो मच। हमें अपनी बाइक को जो है ना वो बाय बाय कहना है। और शादी मैंने सर को थमा दी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है वानी टॉक। सो करते हैं आज व्लॉग स्टार्ट। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप फेसबुक पेज पर भी नए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करके जाना। हाँ जी, तो बहुत टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर से व्लॉग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक महीने के बाद शायद, हाँ एक महीने के बाद मैं अपने घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज। और बहुत ही अच्छा फील लग रहा है, और ख़ासकर अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने में अलग ही मजा है। सो अभी टाइम आ गया है सुबह के 8:30, और यहाँ से मतलब सुबह का मौसम है ना कतई सर्दी वाला है, कतई बहुत ज़्यादा सर्दी वाला है। तो अभी जो है ना, अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, मोटर ऑन करने। पहले मोटर ऑन करते हैं। हाँ जी, मोटर हमने ऑन किया इधर। अब देख लेते हैं, पानी भी इधर से आ गया। तो अभी जो है ना, अभी यहाँ देख रहे हो इधर से पतझड़ इस साइड में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, हद से ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ जो है ना वो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। सर्दी को क्या ही करें, सर्दी तो आएगी आएगी। अब सर्दी के साथ साथ अब लाइट भी जो है ना, लाइट का मामला भी है। मतलब अब आपको लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी विंटर में, खासकर लाइट देखने को भी नहीं मिलेगी। तो पिछले ब्लॉग में मैंने कुछ बातें बोली थी कि स्टंट्स मेहरबानी करके आज से स्टंट्स मत करो, क्योंकि जो मैंने देखा ना, जो मेरी हालत हो गई थी ना पुलिस स्टेशन में जाने से, अल्लाह सब लोगों को बचाए वहाँ जाने से। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि आप जो है ना वो सलाम का स्टाइल चेंज करो, जो आप ऐसे करते हो अस्सलाम वालेकुम ये चेंज करो। तो मैंने ये अब ये स्टार्ट किया, अस्सलाम वालेकुम। होप ये आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे यार बहुत सारे मौलान को कि ये ठीक है, उन्होंने बोला हाँ इसमें क्या है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी अम्मी जान बोलती थी कि आपने क्यों ये चेंज किया, ये चेंज नहीं करना था। तो मैंने बोला ऑडियंस है, ऑडियंस हर वक्त बोलती है कि ये मत किया करो। अगर मुझे दिल ने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं, तो मैं इस स्टाइल पर वापस आऊँगा। यहाँ से अपनी घर की खूबसूरती देख कर, और ख़ासकर सूरज को देख कर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वक्त, और ख़ासकर इस साग को देख कर। अब सबको मालूम है कि हमारे घर में ज़्यादातर साग ही होता है। तो अभी काम क्या करते हैं ना, अभी हम यहाँ से निकल लेते हैं, मुझे जाना है सोपर। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी बाइक में मसला ही मसला है, लोचा ही लोचा है, केमिकल लोचा है। तो इसलिए हम इसको आज जो है ना उस सर्विस स्टेशन पर ले जाएंगे। कल भी हमारी बाइक का ये वाला मसला हुआ था कि ये जो है ना चेन किट लूज़ है, आई थिंक चेन जो है ना बहुत ज़्यादा लूज़ है। इसलिए हम काम क्या करते हैं, हम इसको आज ले जाएंगे सर्विस स्टेशन। वहाँ मुझे मुर्तज़ा भाई ने बोला है कि यहाँ आपको पूरी तरह से बाइक हम ठीक करके देंगे, और फिर आप घर लेना। तो वैसे भी चाहिए बाइक हमारी ठीक, क्योंकि आने वाले राइड्स जो बाकी है पेंडिंग है। ये बैग जो है ना, ये हम बैक साइड लगाएंगे। अब जो है ना बाइक बाहर निकालते हैं। आजकल ना बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है अच्छे से, क्योंकि सर्दी का मौसम है। इधर तक तो इधर बाइक रखते, मसला ये है कि चेन जो है ना वो ज़्यादा लूज ना हो और वो गिरे ना। अभी टाइम आ गया ऑलमोस्ट 9:30, तो अभी हम जो है ना पहले गेट बंद रखते हैं, मम्मी से इजाज़त मांगते हैं, और फिर निकल लेते हैं अपने सफ़र पर। सो हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हम तैयार, सो निकल लेते हैं इधर से और कर लेते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। मम्मी की इजाज़त और अल्लाह का नाम लेकर हम इधर से निकल रहे हैं। पहले हम पेट्रोल डालेंगे, टैंकी ऑन। अभी मैं आया हूँ हवे पर, और मौसम एकदम बढ़िया है। बात पर कि पेट्रोल भी हमने भरवाया। ये तो बात यही थी कि जब मैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर श्रीनगर गया, तो वहाँ जो है ना 3 साल पहले किसी बंदे ने जो है ना वो स्टंट किया था।
तीन साल पहले नॉट ए जोक, उस बंदे का वीडियो शायद आज जो वायरल हुआ है तो उसको भी लाया गया। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं कहां, नौगाम। नौगाम लज्जन ऐसा ही कुछ बोलते हैं इसको, अथवाजन जो भी नाम है इसका। बस यार ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक अगर नहीं होगा तो यार फिर हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन क्या ही करे ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा क्योंकि सिटी में एंटर हो रहे हैं और सिटी में ट्रैफिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता है और उसको फिर सिटी भी नहीं बोला जा सकता है। ओ यार ये है नौगांव का ट्रैफिक, और यहाँ से जो ना इस रोड से गाड़ियां आती है, मतलब हैवी व्हीकल्स आते हैं, ट्रक्स टिपर्स। भाई हमें जगह छोड़, बाइक ने मुझे भयंकर से मारा यार, मतलब टूट गया मैं यार खत्म, क्योंकि यार बाइक की चेन की टोटली डैमेज्ड है। मतलब जब से हम घर से निकले हैं तब से अभी तक दो बार इसकी चेन लूज हो गई, समझ नहीं आ रहा है, 4 महीने भी नहीं हुए और ऐसी हालत है। और ऊपर से यार मैं उतना कमाता भी नहीं हूँ, वक्त बुरा सबका आता है लेकिन उस बुरे वक्त में कौन आपके साथ रहता है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इंशाल्लाह हमारे भी दिन आए, हमें भी अल्लाह ताला बाहर दिखाए इंशाल्लाह। देखो यार फिर से मसला हो गया बाइक का यार, टेंशन टेंशन बुरी तरह फंस गई यार। सो गाइस ऐसे तैसे करके अभी हम हैं अमरगढ़ में, और यहाँ से ऑलमोस्ट 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर शोरूम होगा। मेरी हालत कितनी खराब हो गई रास्ते में ये मैं ही जानता हूँ। अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 2 PM, तो सुबह में घर से 10 बजे निकला हूँ। इस बाइक का जो है ना फुल चेन किट टूट गया है धीरे धीरे, अभी मैं कितना स्लो जा रहा हूँ देखो, सेकंड गियर में भी इस वक्त हूँ, बहुत ही स्लो यार। मैं सोच रहा हूँ अंदर से कब मैं पहुँचू जावा एसडी शोरूम। टेंशन की वजह से मुझे इतना भी याद नहीं रहा है कि मैं बहुत आगे निकला, बहुत धीरे धीरे जाना है। वो है एसडी शोरूम। मूड ही खराब होता है ना जब ऐसा कुछ होता है, बट वक्त सेम नहीं रहता है, वक्त बदलता है, बट ये लोग यहाँ नहीं है ना। है किधर ये मुर्तजा भाई? हाँ जी, तो ये रही मेरी बाइक की हालत, देखो यार। और हुआ क्या था अभी मैं दिखाऊंगा आपको, देखो यार इसको बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, ये जो ना अंदर से टूट गया था देख सकते हो, ये कितना टूट गया है ये देख सकते हो आप, और इधर से भी। और बोल्ट देखो, बोल्ट की हालत क्या है, ऑलमोस्ट ये जो है ना ये पड़ता है बहुत ही ज्यादा महंगा, शायद ये 6000 का है। ये तो चेन किट अलग सी है 4500 की, और अब ये जो है ना ये पड़ता है ऑलमोस्ट 6000 का। देखो ये टूटा हुआ, देखो इधर, मतलब मेरी हालत टोटली ख़राब थी इस बाइक में, और अभी मेरी बाइक की हालत क्या है मतलब क्या ही मैं बताऊँ। ऑलमोस्ट 10-15-20 हज़ार का खर्चा आएगा इस बाइक, ये बाइक जो है ना ये यहाँ 10-15 दिन रहेगी ये बाइक यहाँ। हमें अपनी बाइक को जो है ना वो बाई बाई कहना, क्योंकि ये सब कुछ अवेलेबल है लेकिन ये वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने बोला कि ये हमें मंगवाना है। बाइक का खर्चा ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार तक जाता है सिर्फ, चलो बाई बोलते हैं इस बाइक को। लेकिन बाइक जो है ना वो बहुत ही बढ़िया, पता नहीं मतलब छा मनो सुन नजर आदम आई एम मिसिंग माई बाइक सो मच। और चाबी मैंने सर को थमा दी साथ में, तो मुर्तजा भाई अंदर है, बाकी यहाँ से हमारे जिगर इधर से, तो अभी जो है ना वो हम काम क्या करते हैं, अभी हम इधर से निकलते हैं। तो मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ, और मुझे लगता है अब ये जो ब्लॉग है ना इधर ही एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर फॉलो कर देना। एट लास्ट भी कहना चाहता हूँ कि खुश रहो, खुशहाल रहो, इंसानियत और कश्मीर जिंदाबाद।